I'm going to tell you how to find your Wi-Fi password in Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 and Windows 7. Do you forget your password? Don't getting it and worried about it? Don't worry, I have a solution. Let us start. Find your Wi-Fi password. If you forget your Wi-Fi network password, you can find it if you have another Windows PC already connected to your Wi-Fi network. After you find your password, you can use it on another PC or device to connect to your Wi-Fi network. अगर आपके पास दूसरा कोई PC है, तो उस पे Wi-Fi आप अपना password find out कर सकते हैं। या आपके पास phone हो, तब भी आप उसको find out कर सकते हैं। On Windows PC that connected to your Wi-Fi network, do one of the following depending on which version of Windows is running on you, on your PC. अब उसके लिए वो जरूरी है कि आप जानें कि आप किस version का Windows रन कर रहे हैं। विंडो 11 में सेलेक्ट द स्टार्ट बटन, टाइप कंट्रोल पैनल, सेलेक्ट कंट्रोल पैनल, नेटवर्क एंड इंटरनेट एंड नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, ये करना पड़ेगा तब आपको नेटवर्क शेयरिंग सेंटर मिलेगा। विंडो 10 में आपको सेलेक्ट स्टार्ट बटन, सेलेक्ट सेटिंग, देन नेटवर्क एंड इंटरनेट टाइप, देन स्टेटस एंड नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, देन यू विल गेट द नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। On Windows 8.1 and 7, search a network and then select Network Sharing Center from the list of results. In Networking and Sharing Center, next to the connection, select your Wi-Fi network name. जब आप ये करिएगा तो Network Sharing Center में आपके Wi-Fi का नाम दिखेगा। वहाँ पे आपको if Wi-Fi state in Wi-Fi status select the wireless property. हाँ, wireless property को select करेंगे। The wireless network property, select the security tab, then select the show character checkbox. Your Wi-Fi network password is displayed in network security key box. On another Windows PC or other device, connect to Wi-Fi as you normally would and enter your Wi-Fi password when prompted. और फिर आप उस password को use कर सकते हैं। तो हम लोग का Windows 10 है, तो चलते हैं Windows की key दबाएंगे। स्टार्ट सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर बल्कि यहाँ सर्च कर लेंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। जब हम नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका नाम दिख रहा है आपके नेटवर्क का, तो इसको क्लिक करेंगे वाईफाई को। यहाँ पे वायरलेस प्रॉपर्टी दिखेगी, वहाँ पे आप सिक्योरिटी दबाइएगा। हमने क्योंकि कोई पासवर्ड सेट नहीं किया इसलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपका की बॉक्स आएगा, उसमें पासवर्ड दिखेगा, तो आप वहाँ पर पासवर्ड देख सकते हैं। तो इस तरह से हम पासवर्ड देख सकते हैं। दूसरा मेथड है हम लोग की कमांड लाइन से सीएमडी में जाकर पासवर्ड देख सकते हैं। तो इसके लिए विंडो प्लस आर दबाएंगे, सीएमडी लिखेंगे, सी प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे नेट एस एच डब्ल्यू एल एन शो प्रोफाइल नेम इक्वल्स टू। अब प्रोफाइल नेम हमें नहीं पता है तो हम वायरलेस प्रॉपर्टी में जाएंगे यहाँ पर, तो वायरलेस प्रॉपर्टी में आपका नाम दिखा देगा, उस नाम को यहाँ टाइप करिएगा और कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लिखिएगा की इक्वल्स टू क्लियर, तो ये प्रिंट कर देगा। तो ये आपका याद होना चाहिए कि क्या आपको लिखना है। तो आपका सिक्योरिटी सेटिंग आएगी, ऑथेंटिकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सिक्योरिटी की हमने क्योंकि नहीं लगा रखा है पासवर्ड तो वो दिख नहीं रहा है। की इंडेक्स नहीं की जगह आएगा की बॉक्स की करेक्टर, तो वहाँ पे आपका पासवर्ड दिखेगा। अब इसको कैसे करते हैं, इसमें इसको चल के देख लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो की दबाइए, विंडो की और आर दबाइए, यहाँ पर सी एम डी लिखिए, ओके करिए। ओके जब करिएगा तो ये
यहाँ पे ये आया, अब इसको आने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमें क्या कमांड लिखना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पर कॉपी कर लेंगे अपना कमांड जो हमें लिखना है, क्योंकि लंबा सा है और हमें वो भी नहीं याद है यहाँ से, इसको अपना नेटवर्क का नाम याद होना चाहिए, ये हमारा नेटवर्क का नाम है जो आपको यहाँ से, जब आप यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे जब क्लिक करिएगा तो आपका देखिए नेटवर्क नाम यहाँ दिखा रहा है, या नेटवर्क सेंटर पे जब हम जाएंगे तब वो दिखाएगा। तो यहाँ से हमने ये कॉपी किया यहाँ पे इसको, क्योंकि हमें लिखना है नेट SH पूरा ये कमांड लिखना है हमको, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे गए यहाँ पर, देखिए अब आपका सिक्योरिटी सेटिंग आ गई, ऑथेंटिकेशन आ गया, की इंडेक्स की जगह की करेक्टर आएगा, उसमें आपका पासवर्ड दिखेगा। तो क्या लिखते हैं इसको हम टुकड़े में भी करके कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या करेंगे, नेट SH लिखेंगे, नेट SH जब आप लिखिएगा तो देखिए वो पूछेगा, तो WALN लिखेंगे, WLAN लिखेंगे, WLAN लिखने के बाद हमें कमांड नहीं याद है तो फिर से उसको प्रिंट करके देख लीजिए, शो प्रोफाइल करेगा, तो इसको हम शो प्रोफाइल कर सकते हैं, शो प्रोफाइल नेम, अब प्रोफाइल नेम हमें नहीं फाउंड करना है, तो आपके लिए हमने जैसे बताया आप यहाँ जा करके नेटवर्क पर क्लिक करिए, तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल नेम आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोफाइल नेम अब फिर से हम उसको करेंगे शो प्रोफाइल नेम, क्लियर है ना, क्योंकि हमारा नेटवर्क नेम बहुत बड़ा सी है, हमने फोन से लिया है इसको चेक करने के लिए, इसलिए यहाँ पे जब नेटवर्क नेम लिख लेंगे शो प्रोफाइल नेम इक्वल्स टू नेटवर्क नेम, तो लिखेंगे की इक्वल्स टू क्लियर, की इक्वल्स टू की क्लियर, तो वो आपका सेंटर में आ जाएगा। फिर इसे कॉपी कर लेते हैं, की इक्वल्स टू क्लियर, यहाँ से फिर से कॉपी करके पूरा फिर से टाइप कर देंगे, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर से आ जाते हैं CMD में, ऑल्टर R CMD और यहाँ पर जो कॉपी किया है उसको पूरा टाइप कर देंगे। सिंपल आपको पहले से किसी नोट पैड में उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा सी नाम है तो उसमें गलती हो सकती है, इसलिए हमने उसको कॉपी किया। नेट SH लिखेंगे, फिर WLAN लिखेंगे, फिर शो प्रोफाइल नेम लिखेंगे, इक्वल्स टू प्रोफाइल नेम लिखेंगे, फिर की इक्वल्स टू क्लियर लिखेंगे, और फिर सिक्योरिटी टैब पर चले जाएंगे तो सेटिंग पे, तो वहाँ पर की करेक्टर दिखाएगा इंडेक्स की जगह, क्योंकि इसमें पासवर्ड सेट नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, की करेक्टर्स दिखाएगा बॉक्स, तो उसमें पासवर्ड आपका हाईलाइटेड पासवर्ड आ जाएगा। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल IT इनफॉर्मल, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन, गो टू द कम्युनिटी एंड कमेंट ऑन वीडियो। थैंक यू व्यूवर्स, प्लीज़ कमेंट आप लोग किया कीजिए, वीडियो वॉच किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।